हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स, राइट। आज अपन जो है पॉलीनोमियल्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। कल अपन ने जो है मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करी थी, राइट। अब जो है अपन ओव्यूल के टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। जनरली एनसीईआरटी के अंदर देयर आर सिक्स काइंड्स ऑफ ओव्यूल्स, छह प्रकार के जो है ओव्यूल्स दे रखे हैं, जिसके अंदर नंबर वन आता है ऑर्थोट्रोपस, नंबर सेकेंड आता है एनाट्रोपस काइंड ऑफ ओव्यूल, नंबर थर्ड आता है हेमिट्रोपस काइंड ऑफ ओव्यूल, फोर्थ आता है कैम्पाइनोट्रोपस काइंड ऑफ ओव्यूल, एंड फिफ्थ आता है एम्फीट्रोपस काइंड ऑफ ओव्यूल, एंड सिक्स आता है सर्सिनोट्रोपस काइंड ऑफ ओव्यूल, राइट। ये छह प्रकार के जो है ओव्यूल्स अपने एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इन सबके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्थोट्रोपस काइंड ऑफ ओव्यूल, राइट। ऑर्थोट्रोपस काइंड ऑफ ओव्यूल्स जो एक्चुअली होते क्या है, राइट। अब ध्यान से सुनोगे, देखो ये वाला जो रीजन है दैट इज माइक्रोपाइल, मैं शो कर रहा हूँ शॉर्ट लेटर के अंदर। इसके बाद में दिस इज व्हाट इज इट, चैलेंजर, एंड दैट इज फ्यूनिकल। देखो ऐसा ओव्यूल जिसके अंदर माइक्रोपाइल, चैलेंजर और फ्यूनिकल सारे के स्ट्रेट लाइन के अंदर है, इसके अंदर है कि स्ट्रेट लाइन के अंदर है, दैट काइंड ऑफ ओव्यूल इज नोन एज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, दैट इज नोन एज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऐसा ओव्यूल जिसके अंदर माइक्रोपाइल, चैलेंजर और फ्यूनिकल तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन को बिलोंग कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर पाए जा रहे हैं, that kind of ovule is known as orthotropous ovule. Its examples are like piperaceae and polygonaceae, right? Piperaceae जो है इसका example है, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा ये कैप्सिकम वगैरह आते हैं, जो मिर्च जो होती है, चिली जो होती है, वो इसके अंदर ही आती है। इसके बाद में second kind रखा है anatropous kind of ovule, right? Second kind is anatropous kind of ovule, in which what happens again, that is micropyle, that is challenger, and that is funicle, right? अब इसमें क्या होता है एनाट्रोपस के अंदर कि माइक्रोपाइल और चैलेंजर दोनों स्ट्रेट लाइन के अंदर होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर होते हैं, और जो माइक्रोपाइलर रीजन है दैट बिलोंग्स नियर टू द फ्यूनिकल, ये वाला रीजन जो है फ्यूनिकल के नियर बिलोंग करता है, दैट काइंड ऑफ ओव्यूल इज नोन एज एनाट्रोपस काइंड ऑफ ओव्यूल, दैट इज नोन एज एनाट्रोपस काइंड ऑफ ओव्यूल। और इसका एग्जाम्पल है गैमोपटेली, इट्स एग्जाम्पल इज गैमोपटेली। गैमोपटेली के अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं सारे के सारे मेंबर्स जो हैं एनाट्रोपस, सारे के सारे मेंबर्स के अंदर एनाट्रोपस काइंड ऑफ ओव्यूल जो है देखने को मिलता है, ऑलराइट, जिसके अंदर माइक्रोपाइल और चैलेंजर दोनों स्ट्रेट लाइन को बिलोंग करते हैं, और माइक्रोपाइलर रीजन जो है वो चैलेंजर के नियर बाय होता है, ऑलराइट। नेक्स्ट है हेमिट्रोपस। हेमिट्रोपस के अंदर क्या होता है, दिस इज अगेन माइक्रोपाइल एंड दिस इज चैलेंजर एंड दिस इज फ्यूनिकल। इसमें क्या होता है कि माइक्रोपाइल और चैलेंजर जो है ये तो स्ट्रेट लाइन को बिलोंग करते हैं, राइट, ये बिल्कुल सीधे होते हैं आपस में, और जैसी जो स्ट्रेट लाइन है ये यहाँ पे फ्यूनिकल से फ्यूज होकर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो वी कैन से यहाँ पे फ्यूनिकल के बीच में और माइक्रोपाइल चैलेंजर के बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट काइंड ऑफ ओव्यूल इज नोन एज हेमिट्रोपस ओव्यूल, that kind of ovule is known as hemitropous ovule, and that is generally found in Ranunculaceae family, like Ranunculus, right? ये जो है Ranunculaceae family के अंदर जो है देखने को मिलता है, that is the third kind of ovule. इसके बाद में अपन बात करते हैं Campylotropous ovule. इसके बाद में next आता है Campylotropous ovule. Campylotropous ovule के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ये जो चैलेंजर है और ये फ्यूनिकल है, दिस इज फ्यूनिकल एंड दिस इज माइक्रोपाइल, तो फ्यूनिक ये माइक्रोपाइल और चैलेंजर, माइक्रोपाइल और चैलेंजर ये तो स्ट्रेट लाइन के अंदर होते हैं, माइक्रोपाइल और चैलेंजर तो स्ट्रेट लाइन के अंदर होते हैं, और कैम्पाइलोट्रोपस के अंदर माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस होता है। देखो यहाँ पे अपन ने देखा था कि यहाँ पे फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल दोनों आपस में एक दूसरे के क्लोजर होते हैं, They are closer to each other, but there, यहाँ पे माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस होता है, और फ्यूनिकल और चैलेंजर जो है आपस में एक दूसरे के क्लोजर होते हैं, सो दैट काइंड ऑफ ओव्यूल इज नोन एज कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, दैट इज नोन एज
कैंपाइनोट्रोपस ओरियम, इसके जो एग्जांपल है क्रूसीफेरी, सरसों आपने सुना होगा, मस्टर्ड क्रूसीफेरी जो है इसका एग्जांपल है। इसके अलावा लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी के अंदर जितनी भी पल्सेस आती हैं सारी के सारी जो है इसी के एग्जांपल है। ऑलराइट, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। कैंपाइनोट्रोपस के अंदर फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, और माइक्रोपाइल और चैलेजा और फ्यूनिकल आपस में एक दूसरे के क्लोजर होते हैं। डन। नेक्स्ट इज एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस के अंदर क्या होता है कि जो इसके अंदर ये जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर जो है कुछ हॉर्सशू शेप्ड होती है। ऑलराइट, एम्फीट्रोपस के अंदर जो भी ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है, इट्स स्ट्रक्चर इज हॉर्सशू शेप्ड। वी कैन से ये जो ओव्यूल्स होते हैं इनकी स्ट्रक्चर हॉर्सशू शेप्ड होती है। सो ये तो वैसे ही डिफर होते हैं, देख के अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट दिस वन इज हॉर्सशू शेप्ड। दैट काइंड ऑफ ओव्यूल इज नोन एज एम्फीट्रोपस ओव्यूल। दैट काइंड ऑफ ओव्यूल इज नोन एज एम्फीट्रोपस ओव्यूल। और इसके जो एग्जाम्पल है ब्यूटोमेसी। ब्यूटोमेसी के अंदर जितने भी मेंबर आते हैं सारे के सारे मेंबर जो है वो इनके अंदर एम्फीट्रोपस काइंड ऑफ ओव्यूल देखने को मिलता है। राइट, लास्ट वन की बात करते हैं सरसिनोट्रोपस। सरसिनोट्रोपस काइंड ऑफ ओव्यूल। सरसिनोट्रोपस काइंड ऑफ ओव्यूल के अंदर क्या होता है कि जो ओव्यूल है वो कम्प्लीटली टर्न हो जाता है। ऑलराइट, टर्न होने के बाद में जो ये फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल चारों तरफ से जो है ओव्यूल को रैप कर लेता है, और दैट काइंड ऑफ ओव्यूल इज नोन एज सरसिनोट्रोपस ओव्यूल एंड दैट इज फाउंड इन कैक्टेसी। कैक्टेसी के अंदर जो भी कैक्टस है और इसके अलावा और भी जो मेंबर हैं जो कि ज़ेरोफिटिक प्लांट्स हैं सारे के सारे के अंदर जो है सरसिनोट्रोपस काइंड ऑफ ओव्यूल जो है देखने को मिलता है। आई नो नेम्स आर कॉम्प्लिकेटेड, नेम्स जो है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट एक दो बार जैसे आप ट्राई करोगे यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल ऑटोमेटिकली लर्न। हम अगेन सेइंग दैट इज ऑर्थोट्रोपस एंड सेकेंड वन इज एनाट्रोपस, थर्ड इज एम्फीट्रोपस, फोर्थ इज कैंपाइलोट्रोपस, फिफ्थ इज एम्फीट्रोपस एंड सिक्स्थ वन इज सरसिनोट्रोपस। सरसिनो के अंदर जो है ये टर्न हो चुका है कम्प्लीटली 360 डिग्री एंगल के ऊपर। कैंपाइलोट्रोपस के अंदर माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, और हेमीट्रोपस के अंदर जो है फ्यूनिकल और चैलेजा माइक्रोपाइल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एनाट्रोपस के अंदर जो है माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के बहुत ही क्लोजर होता है, और ऑर्थोट्रोपस के अंदर जो है माइक्रोपाइल चैलेजा और फ्यूनिकल तीनों जो है स्ट्रेट लाइन के अंदर बिलोंग करते हैं। सो देर आर 5-6 काइंड्स ऑफ ओव्यूल्स। इसके बाद में इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन क्या होता है, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, एडेप्टेशन फॉर पॉलिनेशन एंड सो ऑन, इन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।